आज हम बात करेंगे गुलाब जल कैसे बनाएं। घर पर ही गुलाब जल बनाने का आपको तरीका बताऊंगी और साथ ही मैं आज बात करूंगी कि मैंने भी एक गुलाब जल बनाया है और प्योर गुलाब जल जब आप बनाएंगे तो वो कैसा होता है। जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो वो कुछ अलग ही होता है, आपने देखा ही होगा। तो बात करते हैं उसमें क्या मिलाया जाता है जो इतना अलग होता है, तो गाइस वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, प्योर गुलाब जल जब हम अपने घर पे बनाते हैं, कोई लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं प्योर गुलाब जल आता है, प्योर आता है, तो बात करते हैं प्योर गुलाब जल की। ये देखिए प्योर गुलाब जल ये है, जो कि बिल्कुल से वैसा कलर इसका दिख रहा है गुलाब की तरह ही। तो ये गुलाब जल मैंने ही बनाया था और ये सीसी गुलाब जल की ही है जो कि मैंने खरीदी थी। तो फिर मैंने बाद में प्योर गुलाब जल बनाया तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं। ये भी बहुत अच्छा, एकदम गुलाबी गुलाबी सा चेहरे का कलर इस लगता है इसे लगाने से। तो गाइस आप कैसे गुलाब जल बना सकते हैं, प्योर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक बाउल चाहिए होगा, यानी कि जितना आपको बनाना है, आपको महीने के हिसाब से बनाना है या 15 दिन के हिसाब से बनाना है, तो उस हिसाब से आप पानी ले लीजिए, उसमें गुलाब की पत्तियाँ डाल दीजिए। उसके बाद आप उसे बॉयल करिए। बॉयल करने के बाद आप उसे थोड़े टाइम के लिए, उसका जब वाइट कलर हो जाए ना, जैसे ही उसका कलर चेंज हो, वाइट कलर हो जाता है गुलाब पकने के बाद, यानी कि उसका जो रंग है, जो तत्व है, वो निकलने के बाद उसका जो कलर है वाइट हो जाएगा, उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना, वो ठंडा होने देना है। तो गाइस उससे पहले मैं आपको ये कुछ कहना चाहती हूँ कि एक ऐप है और जिसकी लिंक मैंने नीचे दे दी है, आप जाके उसे डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से, और वो ऐप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप उसे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर डाउनलोड करें। तो गाइस अब हम बात करते हैं कि वैसे मेरे लिए तो वो ऐप काफ़ी अच्छा है, अगर आप लोग भी उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं कि अच्छा है कि नहीं। तो गाइस अब हम बात करते हैं और गुलाब जल को कैसे स्टोर करें, मैंने कि उसको कैसे रखें। तो आप गुलाब जल बनाने के बाद, जैसे मैंने क्या कहा, उसके बाद वो जब पानी ठंडा हो जाए तो एक वाटर में आपको, और जैसे कि मैंने इसमें कवर कर लिया था इसको, तो आप भी इसको कवर करके रख सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक चलता रहता है। गुलाब जल तो आप जानते हैं, प्योर गुलाब जल तो और ज़्यादा, ये बहुत ही नेचुरल होता है, वो चेहरे की चमक बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसे अपने फ्रिज में, अगर फ्रिज नहीं है तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, वो कभी ख़राब नहीं होता, तो आप इसकी ना कभी डेट एक्सपायर होगी, और क्योंकि जो आप बनाएंगे तो आप इसे लंबे समय तक के लिए भी बना सकते हैं। वैसे मैंने ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाया, ओनली 1 महीने के लिए मेरा ये चल जाता है। तो गाइस अच्छा, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और उससे पहले जो ऐप के बारे में मैंने आपको बताया है उस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, बाय बाय, टेक केयर।